फ्रेंड जो हमारा बैंक होता है वो बेसिकली दो तरीके से पैसा ट्रांसफर करता है, यानी दो मोड पर पैसा ट्रांसफर करता है। पहला हमारा होता है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये क्या होता है आज का विषय इसके बारे में बात करने का नहीं है। दूसरा होता है RTGS। RTGS क्या है भाई? RTGS का मतलब होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं RTGS के ऊपर कि RTGS क्या है, कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या सुविधाएं देखने के लिए मिलती हैं। तो फ्रेंड RTGS का मतलब जैसे कि मैं आपको बता दिया हूं कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब ये रियल टाइम मतलब ये होता है कि इसमें जो आपका पैसा ट्रांसफर होता है फ्रेंड वो रियल टाइम में होता है, यानी कि आप ऑफलाइन तरीके से भी RTGS कर सकते हो। RTGS प्रणाली ऑफलाइन तरीके से भी होती है और ऑनलाइन तरीके से भी होती है। अब ऑनलाइन कैसे होती है, ऑफलाइन कैसे होती है? ऑफलाइन का मतलब है कि आप बैंक जाओगे, फॉर्म भरोगे, आप पैसा कहीं पर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो किसी के अकाउंट में, तो डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है रियल टाइम में। लेकिन अब मैं कहूँ ऑनलाइन कैसे होती है, तो भाई बैंक का ही अगर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन के जरिए या फिर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अगर पैसा ट्रांसफर होगा तो वो RTGS के द्वारा ही होगा, यानी कि पैसा तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा RTGS के जरिए। तो फ्रेंड ये तो था आपका RTGS आखिरकार होता क्या है और कैसे काम करता है। पैसा आपका जो होता है RTGS के माध्यम से RTGS मोड से जस्ट इन वन क्लिक या रियल टाइम में हाल के हाल पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अब इसका वर्किंग कंडीशन क्या होती है, देखिए फ्रेंड पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो RTGS मोड है वो हमेशा व्यक्तिगत रूप से काम करता है। व्यक्तिगत मतलब है कि कोई पर्सन होगा वो जाएगा पैसा ट्रांसफर करेगा तो आपका पैसा जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि दूसरी तरफ NEFT के बारे में, तो फ्रेंड NEFT का मतलब होता है कि आपका पैसा 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपको यहां पर RTGS जो होता है फ्रेंड यहां पर सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होती है। RTGS में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने गलती से कोई फॉर्म भर दिया भाई, आपने वहां पे अकाउंट नंबर गलत डाल दिया और बैंक ने पैसा ट्रांसफर कर दिया वहां पे, तो होगा क्या कि अब आप कहोगे भाई मेरे पास तो पैसा आया ही नहीं है। तो फ्रेंड RTGS के माध्यम से अगर आपका पैसा कहीं भी गलत जगह गया होगा तो वहां पे सिक्योरिटी के मामले में RTGS सबसे बढ़िया साधन है। आपका पैसा तुरंत आपको वापस मिल जाएगा और सही जगह पर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई RTGS जो होता है वो रियल टाइम पर वर्क करता है। लेकिन NEFT में अगर आप कोई गलती कर देते हो तो वहां पे आपका पैसा जो होता है अधिकतर फंस जाता है और जब तक सामने वाला बंदा ना चाहेगा तब तक आपका पैसा आपको नहीं मिलता है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार RTGS क्यों बेहतर है NEFT के जरिए, और अधिकतर जो बैंक वाले होते हैं अगर आप पैसा कहीं ट्रांसफर कर रहे हो फुटकर में तो वो RTGS का ही इस्तेमाल करके पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।